क्या चाहते हैं? होने के नाते मैं दो चार बातें आपके माध्यम से आगे पहुंचाना चाहता हूं कि जब तक हमारी लाइबिलिटी जो है वो क्लियर नहीं होगी तब तक हमारा कोई भी डीलर काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मिड डे मील है, आंगनवाड़ी है और दूसरे हमारे दो दो तीन तीन साल हो चुके हैं कैरेज कमीशन के, अगर जब तक हमें वो नहीं मिलेगी तब तक हम मशीनें भी इनके हवाले कर देंगे दफ्तर में और यही काम करें जैसे मर्जी वैसे करें, हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे जब तक हमारी लाइबिलिटी नहीं हासिल होगी। आखिर में आपकी डिमांड क्या रही? हमारी लाइबिलिटी जो है, जो हमारी लाइबिलिटी पुरानी दो तीन साल से चल रही है वो क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद अगर हमारी मर्जी होगी तो काम करेंगे, नहीं तो इनका भंग भोसड़ा इनके हवाले करेंगे। इस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तो हम इस प्रोटेस्टों को इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सबसे पहले लाइबिलिटी है। गवर्नमेंट ने टेंडर करवाए, हमें पहले किराया मिलता था, कमीशन मिलता था, इकट्ठा मिलता था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने टेंडर करवाए हमारी लाइबिलिटी बन गई और वो इससे करोड़ों में लाइबिलिटी बन चुकी है। हमारा मुतालबा है कि हमें ये लाइबिलिटी दी जाए फिल फोर, क्योंकि हमें खजर वालों का पैसा देना है, गाड़ी वालों का पैसा देना है, दुकानों का किराया देना है, बाकी बहुत सारे मुश्किलात हमें इस वक्त दरपेश हैं। जबकि ईद आई, ईद के मौके पर भी जो कमीशन था हमारा वो कमीशन भी नहीं हमें मिला, जो मतलब राशन के जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस राशन का कमीशन वो भी हमें नहीं मिल रहा। इसलिए हम ये गवर्नमेंट इंतज़ामिया से भी अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें ये हमारे ये मसला फिर फोर हल किया जाए ताकि हम कोई आराम की सांस ले सकें, वरना हमारे लिए ये मुश्किल है और हम आइंदा फिर काम करने के लिए करने के काबिल नहीं रहे हैं। जब भी हमें दाखिला करना पड़ता है उसके लिए भी हमें पैसा उधार निकालना पड़ता है, बैंकों के लोन लेकर हम मकरूज हो चुके हैं, क्या कहते हैं, वहाँ भी हमें इंटरेस्ट भरना पड़ता है इस वजह से कि हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास दबा हुआ है। तो इससे ज़्यादा मैं न कहते हुए इन्हीं अल्फाज से मैं